प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स। नवाब के शहर टोंक में निकाले जाने वाली बादशाह की सवारी को लेकर टोंक जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने आज शहर में निकाले जाने वाले बादशाह की सवारी के रास्तों का अवलोकन किया। इस दौरान एसटीएफ, आरएसी और पुलिस के जवानों को साथ लेकर जिला कलेक्टर नवनीत कुमार और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू, एडिशनल एसपी विपिन शर्मा, डीएसपी सौरभ तिवारी सहित तमाम प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरे और उन्होंने संदेश दिया कि टोंक के अंदर होली और धुलंडी का त्यौहार अमन, चैन और शांति के साथ मनाया जाएगा। किसी भी सूरत में कोई भी लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं शहर के विभिन्न रास्तों में आज ड्रोन उड़ाकर तमाम जो छतें हैं उनका निरीक्षण किया गया कि कहीं कोई असामाजिक तत्व किसी प्रकार की गड़बड़ी न कर पाए। टोंक में रियासत काल से धुलंडी के अवसर पर बादशाह की सवारी निकाली जाती है और इस सवारी को लेकर टोंक की जनता में काफ़ी उत्साह होता है। एक और जहां इसमें होली का हुड़दंग और रंग बिरंगे चेहरे नज़र आते हैं, वहीं ऊंट घोड़ों पर सवार जुलूस के अंदर होली के मतवाले शहर के विभिन्न मार्गों में रंग गुलाल उड़ाते हुए नज़र आते हैं। सालों से चली आ रही ये परंपरा आज भी कायम है और ऐसी सूरत में जिला प्रशासन संवेदनशील इलाकों में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करना चाहता। इसी कारण आज ड्रोन उड़ाकर जहां एक और छतों की तलाशी और रास्तों का अवलोकन किया गया, वहीं पुलिस के अधिकारियों ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिला टोंक के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे इसके लिए एसपी साहब, कार्यवाहक जिला कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, मैंने, सीओ साहब और सभी थाना अधिकारियों ने आज फ्लैग मार्च किया। एसटीएफ के करीब 400 जवानों ने उन रूट मार्च पे हमने पैदल चल के देखा, रस्तों को, चौराहे को देखा, जिसके अंदर कल बादशाह की सवारी जो निकाली जाएगी परंपरागत यहाँ की है और महिलाओं का जुलूस निकाला जाएगा। उसके साथ पूरे बाजार के अंदर हमने राउंड लिए जिसमें व्यापारियों में औरों में सभी के अंदर एक विश्वास व्याप्त हुआ है कि अभी पुलिस मुस्तैद होकर कार्य कर रही है, निगरानी के लिए। हाँ, पिछले 2-3 साल पहले कुछ शिकायत आई थी छोटी मोटी बात को लेकर, उसको देखते हुए बड़ी हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर हम अलग से जाब्ता वायरलेस सेट्स के साथ लगा रहे हैं। दूसरा, हमने ड्रोन स्पेशल मंगवाए हैं जो पुराना टोंक और कोतवाली एरिया में थाना अधिकारी अपने निर्देशन में ड्रोन को कंटिन्यू उसको ड्राइव कराएंगे और उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह हम देखते रहेंगे। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.